यहाँ पूरा मामला तो जब भी एनकाउंटर हुआ 22 तारीख से, तब से ही लगता है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। और फर्जी एनकाउंटर के लिए ये बाड़मेर जिला से लेके पूरे गुजरात भर में सभी समाज के लोग ने मांग की कि भैया इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और ये पुलिस ने कोई भी ऐसा कोई आरोपी है तो उसको पकड़ सकती है, मार नहीं सकती, सजा देने का काम कोर्ट करती है। और ये पुलिस ने उसको घर में घुस के उसको मारा है। ऐसे पुलिस हत्यारी नहीं हो सकती, पुलिस हत्या कर ही नहीं सकती। पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट के सामने जो भी कसूरवार है उसको कोर्ट के सामने ले जाती है, और कोर्ट जो भी सजा देती है, चाहे वो कुछ भी सजा दे, वो सजा जो भी आरोपी है उसको भुगतनी पड़ती है। लेकिन ये तो पुलिस ने मारा है, ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। और ऐसी हत्या कोई भी समाज सह नहीं सकता, और इसीलिए ये पूरा राजस्थान और गुजरात और अड़ोस पड़ोस के सभी स्टेटों से सभी की डिमांड ये है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। और मैंने भी एक MP के हिसाब से, मैंने यहाँ के CM थे हैं जो अशोक जी गहलोत, उनको मैंने गहलोत साहब को लेटर लिखा था कि भाई उसकी एनकाउंटर फर्जी है तो उसकी CBI जांच होनी चाहिए। और सभी ने सरकार के ऊपर दबाव डाला, राज्य सरकार के ऊपर, और राज्य सरकार ने CBI जांच की डिमांड की है। और मैं हमारे केंद्र के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब को भी मैंने लेटर लिखा है कि ये एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है और इसकी CBI जांच होनी चाहिए, ऐसा मैंने लेटर भी लिखा है। और वो CBI जांच में जो भी बाहर आएगा, वो सच सच जो आएगा वो पता चलेगा, तब लोगों को, राजस्थान के लोगों को, सबको पता चलेगा कि ये हकीकत में क्या है। CBI भरेगी हाँ, क्योंकि वहाँ डिमांड करने के बाद भी कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होने के बाद CBI हाँ भरेगी, हमको भरोसा है। देखो ये अभी कोई का नाम लेके कोई बात हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कोई भी हो, कोई भी बड़ा माथा हो, कोई चमरबंदी हो, कोई अधिकारी हो, कोई क्लास 1 2 कोई भी हो, लेकिन उसको CBI जांच होगी तो कोई छूटने वाला नहीं है। घर वाले तो बेचारे बहुत शोक में हैं, उसकी मदर जो है वो और उनकी औरत जो है वो तो बहुत शोक में है, कुछ बता नहीं पाते कि हमारा तो लड़का चला गया, अब हम क्या करें, ऐसे रो रहे हैं बेचारे, क्या करें। नहीं, मैं समाज के नाते तो उनके साथ जुड़ा हुआ हुई, लेकिन ये 3600 समाज की डिमांड है, पूरे राजस्थान के और अड़ोस पड़ोस के स्टेट के 3600 समाज की डिमांड है कि भी ऐसा फर्जी एनकाउंटर यानी कि ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं केंद्र सरकार में हमारे आदरणीय अमित भाई शाह साहब से भी विनती करने वाला हूँ कि जल्द से जल्द इसकी CBI जांच हो और जो भी कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और कोई भी चमरबंदी होगा तो भी छूटने वाला नहीं है। हाँ, मैं मुलाकात करके भी अमित भाई शाह साहब से मिलूँगा और उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फर्जी एनकाउंटर है और जल्द से जल्द उसकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। और मेरे को पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार अमित भाई शाह इसकी जल्द से जल्द CBI जाँच करवाएगी।